वाइब। शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई गठबंधन के दक्षिण मध्य मुंबई क्षेत्र के उम्मीदवार राहुल शेवाले के कार्यकर्ता सभा में पहुंचे आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने अपने चर्चित अंदाज में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। रामदास आठवले ने कहा कि राहुल शेवाले की जीत निश्चित है। भाषण की शुरुआत अपने चिर परिचित शायराना अंदाज में करते हुए आठवले ने दावा किया कि इस बार पहले से भी ज्यादा मतों से एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी। वहीं प्रत्याशी राहुल शेवाले ने कहा कि उनकी जीत पक्की है। सायन के श्री मानव सेवा संघ हॉल में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले और शिवसेना दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट के उम्मीदवार राहुल शेवाले, आरपीआई नेता अविनाश महातेकर, प्रसिद्ध होटल उद्योग से जुड़े बी आर शेट्टी सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। सेना प्रमुख जी ने इससे पहले भूमिका स्पष्ट की है और इस देश का पंतप्रधान उमर अब्दुल्ला चुनने वाले ने, देश की जनता चुनने वाले, और देश की जनता ने इससे पहले ही निश्चय किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने वाले हैं। शिवसेना के पहले से ही भूमिका यही थी, आगे भी वही भूमिका रहेगी। शिवसेना अपने भूमिका के साथ हर बार अड़ा रहता है और वही भूमिका ठान देता है। इस धमकियों को पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने संकल्प किया है कि अगर इस देश में मजबूत सरकार आएगी तो देश सुरक्षित रहेगा और परिवार सुरक्षित रहेगा। तो देश ने एक निर्णय लिया, संकल्प किया है कि इस देश में एनडीए की सरकार, मजबूत जो सरकार है और आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, वो लाने का पूरा संकल्प किया। 23 मई को आप देखेंगे पूरे भारत में एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से चुनते हैं। ये ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतलब एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए को कम से कम 300 से 325 से ऊपर ज़्यादा सीटें मिलेगी। महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी के साथ शिवसेना आई है, आरपीआई का उनको सपोर्ट है, तो महाराष्ट्र में कम से कम 40 तक सीटें हमें मिल सकती है। और यार राहुल शेवाली जो सीट है, ये सीट बहुत बड़ी अंतर से, बहुत बड़े डिफरेंस से राहुल शेवाली यहाँ चुनकर आएगी। और मुंबई की जो 6 सीटें हैं, पूरी 6 की 6 सीटें या शिवसेना बीजेपी को मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और हम उसी तरह पूरे देश भर में प्रचार कर रहे हैं। आज ये वर्धा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए थे, मैं भी वहाँ उपस्थित था, देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ थे, शिवसेना के आनंदराव अडसूळ जी थे और वहाँ एक बहुत बड़ी सभा, वहाँ 42 टेम्परेचर था वर्धा में, उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ थी। तो पूरे देश भर का जो माहौल है, माहौल एनडीए के फेवर में है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या भारत में सरकार बनेगी, इसी तरह की पूरे देश भर की स्थिति है। ऐसा है कि ईशान्य मुंबई की सीट हमने मांगी थी, लेकिन अभी वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ चर्चा की और देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे साथ चर्चा की और उन्होंने मुझे बताया कि आपकी राज्यसभा कंटिन्यू की जाएगी, आपको केंद्र में अच्छा मंत्री पद मिलेगा, महाराष्ट्र में भी सत्ता की भागीदारी अच्छी मिलेगी, महाराष्ट्र में भी आरपीआई का मंत्री होगा। तो इसलिए मैंने फिर यह आग्रह छोड़ दिया है कि भाई मैंने कोशिश तो की थी भाई रिपब्लिकन पार्टी को एक सीट अगर मिलती है तो पूरे देश भर में वातावरण अच्छा हो जाएगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन मुझे राज्यसभा रिपीट करने का वादा वो मुख्यमंत्री जी ने किया है और अभी ईशान्य मुंबई का आग्रह मैंने छोड़ दे दिया है, वहाँ बीजेपी का उम्मीदवार रहेगा। कार्यकर्ताओं को तो समझाएं कि मेरे कार्यकर्ता मेरे सीट के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन अगर मैंने ऐसा निर्णय ले लिया है कि अब आगे अपने को समाज का भी भला देखना है, कार्यकर्ताओं को भी सत्ता की भागीदारी देनी है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी और शिवसेना एक साथ आने से या अक्टूबर में होने वाले विधानसभा में भी सरकार अपनी आएगी और सत्ता में अच्छी भागीदारी आरपीआई को देगी, ऐसा विश्वास हमें व्यक्त किया है। उसके साथ साथ आरपीआई को विधानसभा की अच्छी सीटें में देने के संबंध में भी चर्चा हुई है, इसीलिए ईशान्य मुंबई का आग्रह हमने छोड़ दिया है और अभी वहाँ जो भी कैंडिडेट बीजेपी का होगा तो उसको चुनकर लाने के लिए मेरे पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। देखिए मत से हम सहमत नहीं है, मतलब वहाँ जो
जम्मू कश्मीर भारत का ही इलाका है और भारत के साथ उन्होंने रहना चाहिए। वहाँ की जो भी समस्या है समस्या हल करने के लिए जरूर हमको कोशिश करने वाले हैं। वहाँ बेरोजगारों को रोजगार देना हो, वहाँ का जम्मू कश्मीर लद्दाख का विकास करना हो, इसके लिए जरूर मोदी सरकार बहुत बड़े ताकत से प्रयत्न करने वाली है। उमर अब्दुल्ला ने कोई अलग विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर में भारत के साथ रहने से ही उनका फायदा है, अलग रहने से फायदा नहीं है। नहीं, यहाँ जो मतलब भारतीय बहुजन महासंघ और जो वंचित आघाड़ी है, तो ये वंचित आघाड़ी का फायदा बीजेपी और शिवसेना के कैंडिडेट को बहुत जगह पर होगा, क्योंकि मतों का जो बंटवारा होगा उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होगा और बीजेपी शिवसेना का फायदा होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि वंचित आघाड़ी की हमें चिंता बिल्कुल नहीं है, उसका फायदा हमें होगा। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई।